आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी चले आओ, जल्दी जल्दी चले आओ रिंग का खेल खेलने के लिए। दशहरे के मेले के मौके पर सस्ता लगा दिया रिंग, ₹1 का 1 रिंग, और ₹1 का 1 रिंग लेने के बाद रिंग में जो भी सामान फंस जाए वो तुम्हारा। लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, मैंने ₹1 का ये 1 रिंग तो ले लिया, इस रिंग को उछाल के मैं ये जो तुम्हारे टेबल पे जो सामान रखे इन सामान पे फेंक के फांस दूं, वो सामान मेरा हो जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, कोई सा भी सामान फांस लो। ये देखो साबुन है, बिस्किट है, बहुत सारे महंगे महंगे सामान है, ₹1 का रिंग है, और सामान महंगा है, ₹4, ₹5, ₹10, ₹50 तक का सामान है। मेरे बेटे राहुल सही से आराम से रिंग को संभल के पकड़ के फेंक और एक साबुन को फांस ले। घर में कपड़े धोने वाला साबुन भी खत्म हो गया है, ₹1 में साबुन मिल जाएगा, ₹5 का फांस दे। मम्मी जी एक बात बताओ, किस तरीके से फांसूं? 2 रिंग तो खराब हो चुके, यानी के 2 रिंग खरीद चुके अपना लोग, ₹2 तो खत्म हो गए। ये केजरीवाल जी से 3रा रिंग खरीदा है अपना लोगों ने, अभी तक रिंग में कोई भी सामान नहीं फंसा। अच्छा खासा मैं दशहरे का मेला घूम रहा था, आप यहाँ पर मुझे पकड़ के ले आई कि ₹5 का साबुन फांस दे ₹1 के रिंग के अंदर। मुझे लगता है ₹5 या ₹10 के भी रिंग अपना खरीद के केजरीवाल जी से अगर साबुन फांसने की कोशिश करेंगे तो भी साबुन नहीं फंसेगा। अरे फंसेगा कैसे नहीं भाई साहब, आपको सही तरीके से रिंग को फेंकना ही नहीं आ रहा है, तो इसमें हम क्या करें? भाई साहब ये कर सकती हो आप, रिंग का दाम कम करो, ₹1 का 1 रिंग आप महंगा दे रहे हो, ₹1 के 4 रिंग दो आप। भाई साहब ये दशहरे का मेला लगा हुआ है और मेले के अंदर हमने ये रिंग की दुकान लगाई है, मेला कमेटी को भी पैसे देना पड़ते हैं हमें, और ये रिंग की दुकान अकेले मेरी थोड़ी है, लालू जी भी इसमें पार्टनरशिप में, ये देखो खड़े मेरे बराबर में। क्या करें योगी जी भी अपना भी ₹2 के 2 रिंग खरीदे, क्योंकि अपने पास मेले में घूमने के लिए ₹2 बचे और भूख बहुत तेज लगी है, ₹2 के 2 रिंग में शायद 2 बिस्किट के पैकेट फंस जाए। अखिलेश इस चक्कर में मत पड़ो, 1 भी ₹1 का बिस्किट नहीं फंस पाएगा इसमें, जो ₹2 है वो भी खर्च हो जाएंगे। ये रिंग का खेल मैं जानता हूँ, इसमें मेले में किसी का कुछ भी नहीं फंस पाता, ऐसी पैसे खर्च हो जाते हैं। भाई साहब आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, नाचना आवे आंगन टेढ़ा वाली बात कर रहे हो आप तो। ये देखो मेरे बराबर में शिवराज सिंह जी खड़े हैं, ये ₹5 के रिंग में ₹200 का सामान फांस चुके हैं मेरी इस दुकान से, इन्हीं से पूछ लो। हाँ योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लालू जी, आप रिंग को खरीद के रिंग को सही से फेंको, कोई ना कोई सामान जरूर फंसेगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।